नमस्कार, मैं अलीसा, आप देख रहे स्पीड न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत चेन स्नेचिंग और गाड़ियां चुराने वाले चोरों को कलवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठाणे कलवा के आसपास के परिसर में चेन स्नेचिंग और गाड़ियां चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही थी, इसी के कारण वहां के लोग परेशान हो रहे थे। चेन स्नेचिंग और गाड़ियां चुराने के गुनाह का शोध करने के लिए सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मंगेश प्रहलाद महाजन को सौंपा गया और महाजन ने अपने गुप्तचर के मुताबिक अपना काम चालू किया। इन सभी घटनाओं को संज्ञान में लेकर पिछले कई दिनों से कलवा पुलिस सतर्कता से काम कर रही थी और अंत में कलवा पुलिस ने अपनी सतर्कता के कारण सफल हुए। ठाणे शहर कलवा पुलिस ने 13 गंभीर गुनाहों के अंतर्गत चेन स्नेचिंग व गाड़ियां चुराने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम हैं कलीम हसन शेख उम्र 17, आशीष उर्फ गब्बर कामेश्वर यादव उम्र 19, कुणाल उर्फ अविनाश बालू मोरे उम्र 20। इन तीनों चोरों के पास से 3 चेन, 4 मोटरसाइकिल, 5 ऑटो रिक्शा पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने 13 गुनहों के अंतर्गत कुल 6,95,000 रुपए कीमत का मुद्दे माल जब्त करके एक कलवा पुलिस ने उल्लेखनीय कामगिरी की है। कलवा में एक तरफ शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए DCP अविनाश अंबुर के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है और कई अपराधियों पर भी मुकदमा चलाया गया है। कुछ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कदम उठाया गया था। पुलिस द्वारा शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति की सराहना की जा रही है। थाने से यूसुफ पुरी की रिपोर्ट, स्पीड न्यूज। कलवा पुलिस स्टेशन से आप जो है सीनियर PI मनोहर आवार तसेच आज गावकर PI क्राइम PI आणि तसे संपूर्ण स्टाफ हे त्या पाठीमागे लागले असता आपल्याला कलीम हारून शेख हा 17 वर्षाचा मुलगा जो मफतलाल झोपडपट्टीमध्ये कळव्यामध्ये राहतो त्यास आपण दिनांक 16/7 ताब्यात घेतले आणि ताब्यात घेतल्यानंतर आपल्याला त्यांच्याकडनं माहिती मिळाल्यानंतर साधारण 3 चेन स्नॅचिंग आपण उघडकीस आणले आणि जवळपास 1,10,000 मुद्देमाल आपण त्याच्याकडनं हस्तगत केलेला आहे। तो 18 वर्षाखालील असल्याकारणाने त्याला आपण भिवंडी येथे आपण बाल सुधारगृह येथे पाठवून देण्यात आलेले आहे। स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे।